शहीद स्मारक पर लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। कोरोना काल में लगाए गए कोविड सहायता सहायकों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद कोविड सहायता सहायकों की टीम दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंची है, जिन्होंने कहा कि वह जल्द ही सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आज हम अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। हम सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को वहाँ उनके सामने रखेंगे। हमें 26 मार्च को गहलोत सरकार द्वारा हटा दिया गया था। 22 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको लेकर हम कांग्रेस आला कमान के पास पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो या हमारी मांगों को मान लिया गया हो, और जरूरत पड़ा तो गवर्नमेंट ने हमें ले लिया, और जब उनको जरूरत नहीं है तो हमें निकाल दिया। जब उनकी जरूरत थी तो हर 3-3 महीने में अपना एक्सटेंशन बढ़ाते गए थे, और उसी ड्यूरेशन में प्रसादी लाल जी, जो हमारे चिकित्सा मंत्री, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि सभी CHA को सब सेंटर पर ड्यूटी दी जाएगी, और हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी जो हम 30,000-40,000 कई भाई लोग हमारे 50,000 की जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए आए थे। सब एजुकेटेड पर्सन है यहाँ पे, GS, BSc, GNM, MSc, हमने नर्सिंग कर रखी है। गवर्नमेंट हमें वॉलंटियर हेल्प फोर्स बनाना चाहती है, बट हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हमारे भाई लोगों ने मिलकर हमारी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ रहने की टेंट खरीद लिया है, और सब लोग पैसे इकट्ठे करके मैनेजमेंट करते हैं, खाना खुद बनाते हैं, 8 टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा हमारा चल रहा है। अभी तक छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हैं यहाँ पे, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बैठी हैं यहाँ पे हमारे बीच में, चक्कर आ जाते हैं डेली। हमारा ऐसा कोई ना कोई एक जना है जिसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। मैं खुद 3 दिन से कंटिन्यू बीमार हूँ, मुझे शिविर डाइटिशियन बताया डॉक्टर ने। इसके अलावा कल भी हमारे संदीप भैया हैं, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है, कन्फ्यूज़ की नहीं है हमारे पास। आपके मीडिया के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं उनको कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, संविधान कैडर 2022 में हमको शामिल किया जाए, और हमारा जो एक्सटेंशन है वह अनिश्चित काल के